हेलो दोस्तों, मेरा एक पेशेंट था मिस्टर एक्स, कुछ भी उसका नाम रख सकते, सोच सकते हैं आप, सुनील, मनोज, कुछ भी। दोस्तों, वो बंदा एक हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करता था और दुनिया भर के उसने हेल्थ इंश्योरेंस किए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। उसके खुद के भी अपने काफ़ी इंश्योरेंस थे, अपना उसने अच्छा खासा एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था। और लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस सब के बावजूद उसको, जब वो मेरे पास में आया था, उसकी कंप्लेंट्स थी कि मुझे डॉक्टर साहब ब्लीडिंग थी और बहुत सारे इश्यूज थे और मुझे परेशानियां थी बहुत, और ब्ला ब्ला, मतलब जो भी उसको अपनी कंप्लेंट्स थी उसने मुझे बताई कि साहब ब्लीडिंग होती है, मस्सा सा बाहर आता है। अभी उस बंदे को ब्लीडिंग होने के बाद और ये सारी परेशानी होने के बाद भी उसने ट्रीटमेंट के लिए, मैंने पूछा क्या किया है अभी तक, तो उसने बताया है कि सर मैंने सब कुछ कर चुका हूँ, मैं खूब सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले चुका हूँ, मेडिकल स्टोर से जनरली मेडिसिन ले चुका हूँ, और मैं टीवी पे देख करके काफ़ी सारा जो भी ट्रीटमेंट आता है किसी का भी, वो टीवी पे एडवर्टाइज देख करके काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन ले चुका हूँ। जो काफ़ी छोटे छोटे फर्म हैं जो पैकेज बना करके हेल्थ अपने पाइल्स किट बेचते हैं, उनकी ट्रीटमेंट ले चुका हूँ मुझे 6 साल से पाइल्स हैं। और उस सब के बावजूद सर मैंने क्या नहीं किया है, मैंने वहाँ पे किसी ने राख, कोई पेस्ट बताया, मैंने वो राख लगवाई, मैंने कली जो चूना होता है उसको लगाया इवन, और सबसे ड्रामेटिक था कि मुझे किसी ने बताया कि जो ईंट का जो लाल चूरा होता है, भट्टे की ईंट जहाँ पर रापिस बोलते थे उसको, उसको और चूने को मिला के मुझे किसी ने खाने और लगाने के लिए बताया। मैंने ये सब भी कर चुका हूँ दोस्तों। ये स्थिति है एक हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में, जो बंदा खुद ही हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, दूसरे लोगों को कॉन्शियस कर रहा है, ये उसकी। आखिर लोग पाइल्स को लेकर के इतना नेग्लिजेंसी क्यों है? उसका पेशेंट का अभी भी मेरे गूगल पे रिव्यू डला हुआ है, काफ़ी अच्छे से उसने रिव्यूज डाले। बाद में 6 साल बाद जब अपने भाई का ऑपरेट कराने के लिए आया, उसने ट्रीटमेंट लिया, उसके फादर ने ट्रीटमेंट लिया, तब वो आए, तब उनका सारी फैमिली का ट्रीटमेंट, अब तो जो भी होता है एनोरेक्टल या पेट से रिलेटेड हो, कॉन्स्टिपेशन हो या कुछ भी हो, तुरंत ही मुझको दिखाने के लिए आते हैं क्योंकि अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दोस्तों, इस एनोरेक्टल डिपार्टमेंट को लेकर के लोग इतने ज़्यादा अवेयर जो है, इतने बिल्कुल केयरलेस हैं, बिल्कुल भी इसको लेकर के अवेयरनेस नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा इस तरह का मेडिकल फील्ड का ही, अगर उसके ही ये चीज़ें हैं उसके साथ में, और ये मेरी भी लाइफ का सबसे ड्रामेटिक एक था एक्सपीरियंस पेशेंट का सुनने के लिए, बड़ा ही अच्छा भी नहीं लगा और बड़ा ही दुख हुआ कि इस तरह से की चीज़ें जान करके कि यार ये बंदे को हम लोग क्या सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप हो रहा है ना, और इंडिया में, और उस सब के बावजूद भी लोग जो एजुकेटेड हैं वो भी इस टॉपिक पे बात करने से शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं या फिर सोचते हैं कि ऐसे ही ख़त्म हो जाए। दोस्तों, जब हम लोगों ने उसको चेक किया, चेक करने के बाद उसका प्रोलैप्स पाइल्स निकला, 4th ग्रेड पे इंटरनल ब्लीडिंग पाइल्स थे उसको। अब आप ही सोचिए कि प्रोलैप्स पाइल्स में भला ये सब मेडिसिन कैसे काम करती हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि 1st ग्रेड पाइल्स है, आपने कंजर्वेटिव मैनेज किया मेडिसिन पे, आपने खुद से अपनी हेल्थ का जो है ध्यान रखा। अक्सर इस कैटेगरी में काफ़ी लोगों को, जो जिनको ये दिक्कत होती है और वो कंजर्वेटिव मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं, या कुछ भी अपनी हेल्थ का खुद ही रिच फाइबर डाइट लेते हैं या दूसरा खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो वो लोग हमेशा ही कहते हैं कि देखो हमें हुआ था, हमने फलां दवाई ली थी, मुझे तो आज तक नहीं हुआ। बेसिकली उसके बाद में वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो गई और उससे उनके अंदर सजगता आई और उन्होंने अपने आप को ध्यान से ठीक रखा है। वहीं दोस्तों, दूसरा पेशेंट 2nd ग्रेड पे, अगर नहीं बात समझ में आ रही है तो कोई चारकर्मा कराया या फिर कोई भी स्क्लेरोथेरेपी जैसा कोई भी ट्रीटमेंट लिया पेशेंट को, अगर ब्लीडिंग है तो बहुत ज़्यादा, तो वो पेशेंट वहाँ पर ठीक है। जबकि आप लोग दीवारों पे देखते हैं, चाहे बीमारी कुछ भी हो, फिशर हो या पाइल्स हो, सभी का एक टीके में जड़ से इलाज ख़त्म। केवल और केवल मेरे दोस्तों 1st और 2nd ग्रेड पे एक टीका काम करता है, और वो भी आजकल तो एडवांस इंजेक्शंस हो चुके हैं, वो जो पहले होते थे एसिड के तेजाब के इंजेक्शंस, वो अब नहीं होते हैं। सो प्लीज़ इन सब से बच के रहिए। इस तरह के एक्सपीरियंस जो पेशेंट शेयर करते हैं, जो बिल्कुल वास्तव में, आप सोचिए कि लाल मिट्टी खाने के लिए पेशेंट को बोल रहा है, बोला है, लगाने के लिए बोला चूने में मिक्स करके, कितना मतलब हॉरेबल है, पेन हो जाता है, म्यूकोज़ा वैसी इतनी सेंसिटिव होती है और वो तो बिल्कुल फट जाएगा उससे।
और ब्लीडिंग ओजिंग होती है, उसका यही एक्सपीरियंस भी रहा और उसको यूज़ करने के बाद में उसने बताया भी। दोस्तों थर्ड ग्रेड का पाइल्स रहा कि थर्ड ग्रेड में थोड़ा थोड़ा सा पाइल्स बाहर आता है और वापस से अंदर चला जाता है, थोड़ी देर के लिए पाइल्स आएगा और फिर से वापस अंदर चला जाएगा। लेकिन फोर्थ ग्रेड में वो कम्प्लीटली काफ़ी ज़्यादा बाहर रहता है और कई दफ़ा रुक जाता है वहीं पर। अब आप बताइए, हमें पता है कि जो हमारी ये हाथ की नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, यही जो जब लेटरिन के रास्ते में आती हैं तब यही फूल करके जो वेरिकोज वेन बनाती हैं, पाइल्स बनाते हैं, गुच्छे बना देती हैं, ये गुच्छे ही पाइल्स होते हैं। और ये पाइल्स बनने के बाद में दोस्तों जो वेरिकोज वेन हमारे एनल कुशंस हैं वो जो पाइल्स कहलाते हैं, ये स्वभाव से ही इनके लिए अंदर इलास्टिसिटी होती है, वरना तो आपकी हाथों की नसें 20 साल के बाद, 18 साल के बाद ना दिखाई देती, जन्म के पैदा होते दिखाई देनी शुरू हो जाती, क्योंकि इन पे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी काम करती है, जो भी आपके लिम्स में है, पाम है, फिट है ना, आपके शोल्डर्स पे तो नहीं होती ना। दूसरा, वो स्वभावतः से धीरे 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 बढ़ती हैं। पाइल्स के एपिसोड्स में अगर पाइल आपका मान लिया फर्स्ट ग्रेड का है, ये मेरी फिंगर है, आपको लगता है यार ये कभी आपको दिखाई नहीं दिया ये, और इसका एपिसोड आया आपके खाने पीने से ख़राब हुआ और इसका एपिसोड हुआ पाइल्स, आपका सूजन हो गई, अगली बार आप मेरे पास आए कि किसी से दवाई ली आपकी, इसकी सूजन कम हो गई, तो ये अगली बार समझिए ऐसा नहीं होगा, इसका साइज मिनिमम ऐसा होगा जैसी अब ये फिंगर है, इसका टिप है। अगली बार फिर से इस पे सूजन आई, ये फिर से ऐसे बना, फिर से दवाई ली आपने, ये ऐसा नहीं रहेगा, अगली बार ये इस तरह का साइज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर एपिसोड के बाद में वो उसका जो लूजनेस है वो ज़्यादा बढ़ेगा, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो जो है बढ़ेगी। अभी अगर मैं इस रबर बैंड को आपसे बात करते हुए इस पाइप को जो है एल कैथेटर को अगर इसको खींचता रहा हूँ, तो इस एक टाइम आएगा इसके इलास्टिसिटी खल लूज हो जाएगी। सो सेम वहाँ पर भी हो रहा है और वो पाइल्स बढ़ता चला जाता है। अभी उस पेशेंट का जब हम लोगों ने देखा और चेक करा, सिंपली उसका एक ट्रीटमेंट था कि लाइगेशन करें 4 सूत्रा से, इजी टू परफॉर्म, लोकल एनेस्थीसिया लिया, लाइगेट किया, आधे घंटे का सारा प्रोसीजर हुआ, 3 घंटे क्लिनिक पे रुका, अपने घर चला गया, दैट्स इट। दोस्तों समझ नहीं आता कि जब लोग आज की डेट में किसी भी टॉपिक पे, गुड एंड बैड्स पे भी, टचेस पे भी हम लोग बात करने के लिए आमादा रहते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स पे हम लोग बात करने के लिए तैयार रहते हैं, तो इस चीज़ को एनोरेक्टल डिपार्टमेंट को इतने हेय दृष्टि से क्यों देखा जाता है? अपनी परेशानी इस तरह की जो है ये क्यों लोग एक दूसरे से बताने से शर्माते हैं, समझ नहीं आता दोस्तों। दोस्तों आप खुद ही डिसाइड करिए कि क्या इसी तरह से इसी कैटेगरी को दिखाना या बताना या मजाक उड़ाना कि क्या इस डिपार्टमेंट के लिए शोभा देता है। दूसरी चीज़ है, आप इस परेशानी को, आपको होती है, आप जनरली आप फ्रेंकली बन करके अपने ऑफिस में पूछिए, अगर आपके ऑफिस में 10 लोग बात करते हैं ना, तो 2 लोग बताएंगे कि हाँ हम लोगों ने कहीं से भी ट्रीटमेंट है या लिया था या है या कभी मुझे हुआ था, क्योंकि ये जो डेली रूटीन है, जो लाइफ स्टाइल आप लोग का पुअर होता जा रहा है, ये दिक्कतें आती जाएंगी। जितना ज़्यादा लाइफ स्टाइल गंदा होता जाएगा दोस्तों, ये दिक्कतें आएंगी। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ स्टाइल अपना मैनेज करिए, अपना सोने का, खाने का, पीने का हर एक तरीके को सोच करके खाइए, कहीं ना कहीं क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इस चीज़ के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आपका आहार कैसा होना चाहिए, आपका निद्रा कैसी होनी चाहिए, और आपका ब्रह्मचर्य कैसा होना चाहिए, जो आपको पेट के से संबंधित बीमारी और एनल क्वेश्चन से, पाइल्स यानी बवासीर, फशर, भगंदर जैसी गुदागत रोगों से बचाया जा सके। दोस्तों अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ में, आपसे कोई बताने नहीं आएगा दिक्कत, लेकिन अगर आप चुपचाप इस तरह की वीडियोस को सरका देंगे आगे को, तो वो उसको चेक करेगा, पक्का देखेगा, अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए तैयार करेगा, और कहीं ना चाहने ना चाहने में भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।